नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo EQ7 Legend vs LG Wing का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Vivo EQ7 Legend में 6.39 इंच जबकि LG Wing में 6.67 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Vivo EQ7 Legend में 2.98 इंच जबकि LG Wing में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Vivo EQ7 Legend से कम है। बात करें थिकनेस की तो Vivo EQ7 Legend में 0.34 इंच जबकि LG Wing में 0.43 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Vivo EQ7 Legend से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Vivo EQ7 Legend में 209.5 ग्राम्स जबकि LG Wing में 260 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Vivo EQ7 Legend से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Vivo EQ7 Legend में AMOLED जबकि LG Wing में की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Vivo EQ7 Legend में 20:9 जबकि LG Wing में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Vivo EQ7 Legend में 6.62 इंचेस जबकि LG Wing में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Vivo EQ7 Legend में 1080x2400 और LG Wing में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Vivo EQ7 Legend में 86.06% जबकि LG Wing में 87.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Vivo EQ7 Legend में 398 पिक्सेल प्रति इंच जबकि LG Wing में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Vivo EQ7 Legend में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, ऑप्टिकल जूम कैमरा देखने को मिलता है। और LG Wing की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Vivo EQ7 Legend में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और LG Wing की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Vivo EQ7 Legend में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और LG Wing में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Vivo EQ7 Legend में Adreno 660 जबकि LG Wing में Adreno 620 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Vivo EQ7 Legend में Qualcomm Snapdragon 888 और LG Wing में Qualcomm Snapdragon 765G मिलता है। बात करें RAM की तो Vivo EQ7 Legend में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि LG Wing में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Vivo EQ7 Legend में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि LG Wing में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Vivo EQ7 Legend में नहीं है, जबकि LG Wing में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Vivo EQ7 Legend में Android V11 जबकि LG Wing में Android V10Q देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 4000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
Vivo EQ7 Legend में एक कलर्स जबकि LG Wing में दो कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Vivo EQ7 Legend में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 39,990 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 43,990 रुपीस में मिलता है। और बात करें LG Wing की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में LG Wing आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में LG Wing आगे है, परफॉर्मेंस में Vivo EQ7 Legend आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9 है जो कि 49,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Vivo X60 है जो कि 37,980 रुपए में मिलता है। तीसरा Vivo EQ7 है जो कि 31,990 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 11 X Pro है जो कि 39,499 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।